अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का सीन ये कि ये शॉर्ट सी वीडियो होगी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू कोर्स रजिस्टर करते हैं। और ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली हाईटेक यूनिवर्सिटी के ऊपर है, क्योंकि मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी से हूँ और हाईटेक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर जाकर ही आप लोगों को कोर्सेज एनरोलमेंट जो है वो करके दिखाऊंगा। सही है। अब होता ही है कि मोस्टली जब भी हम लोग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आप लोगों के जो नए कोर्सेज होते हैं उनकी एक लिस्ट आपके साथ ग्रुप्स में शेयर की जाती है, और वही लिस्ट है उसको देख के आप अपने आपको इन उधर इनरोल करते हो। ठीक है। अब क्या है कि बहुत से बच्चे जो हैं उन्हें समझ नहीं आता प्रोसीजर के कैसे इनरोल किया जाए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं तो आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी इनरोलमेंट सिखाते हैं जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, कि आपने कैसे पोर्टल पर जाना है, क्या आपका पासवर्ड क्या है। बेसिकली होता ये है कि जब भी फर्स्ट सेमेस्टर आता है तो आपका, क्योंकि उस टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर्स अलॉट नहीं हुए होते, तो यूनिवर्सिटी खुद ही आपको इनरोल करके देती है फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज के अंदर। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 8 सेमेस्टर तक आपने इनरोलमेंट अपनी खुद करनी होती है, और उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने लगा। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनवर्ड हम लोग वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाईटेक स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ओके। और हाँ, इसको कोर्स में इनरोल करने का मकसद यही होता है कि एट द एंड ऑफ कोर्स इनरोलमेंट आप लोगों को सेमेस्टर के जो वाउचर, फी वाउचर, वो मिल जाता है उसी वेबसाइट से। ठीक है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाईटेक स्टूडेंट पोर्टल। तो जैसे ही यहाँ पे आप सर्च बार में हाईटेक स्टूडेंट पोर्टल लिखेंगे, आपके पास लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट वाला ही ओपन करेंगे तो इस तरह का पोर्टल का इंटरफेस है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना बैच सेलेक्ट करेंगे। मेरा फॉल 2021 है, सो मैंने इसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपना BBA या जो सा भी मैकेनिकल है उसको सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन आपको जो यूनिवर्सिटी नंबर देगी वो, और पासवर्ड आप अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं पोर्टल के अंदर ही। एक पासवर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी खुद देती है तो वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कहलाता है। मैंने अपना चेंज किया हुआ, आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू रजिस्टर। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो पोर्टल जो है वो आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से आपके पास एक लिस्ट है जहाँ जो आपने फिल करनी है। आपको जितने कोर्सेज आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट दी जाएगी। ये जैसे यहाँ पे मेरे पास PDF, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। मुझे 7 सेमेस्टर में जो जो से कोर्सेज दिए हैं उनके नाम और उनके साथ साथ कोड जो है वो भी मेंशन है। तो पोर्टल के अंदर आपने जाके उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो आपको लिस्ट दी गई होगी। अब जैसे इनके यहाँ पे कोड मेंशन है, जैसे फर्स्ट वन है CS416 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो मैंने भी लिस्ट में से वही सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे एक ही कोर्स के दो दो नाम होते हैं। जैसे अब मैं सेक्शन 20 हूँ, हमारे बैच के दो सेक्शन है, सेक्शन A और B। अब मैं सेक्शन 20 हूँ इसलिए मैं जो सेकेंड ऑप्शन है जिसके साथ सेक्शन 2 रोमन में लिखा है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं जल्दी से इन सारे कोर्सेज को फिल करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि इनको सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे कोर्सेज हैं उनको एनरोल कर लिया, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि मेक श्योर करें जो आप लिस्ट आपको दी गई है कोड्स और उनके कोर्सेज के नेम, उनको आप लास्ट टाइम दोबारा मैप कर लें कि क्या वो अकॉर्डिंगली हैं जो आपको लिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो कोर्सेज इनरोल आप करते हैं उस, वो आपके सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, और अगर आप गलती से कोई और इनरोल कर लेंगे तो आपका जो फी चलान जनरेट होगा वो भी इन्हीं कोर्सेज के अकॉर्डिंग जनरेट होता है। और लास्टली ये कि अगर आप गलत इनरोल करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ाइन किया जाए या फिर एक वो बहुत लंबे प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। तो ट्राई करें कि आप पहली दफ़ा ही उनको सही करें। लास्टली ये कि जो आपके पास ये ऑप्शन है आपने इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे PDF में भी मेंशन होता है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है वो। एक और खैर, हमें तो सेपरेटली मेंशन किया था एक मैसेज में, बट मोस्टली मेंशन होता है कि आपने इनको नहीं छेड़ना। तो जब आप ये सारे एंटर कर लेंगे तो आपने
प्रोसीड वाले बटन पे दबा देना और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है कि मैंने इन कोर्सेज को सेलेक्ट किया है और मैं इनमें इनरोल हो चुका हूँ। ठीक है, अब लास्ट में ये है कि यहाँ पे जो कोर्सेज सिलेक्टेड हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कन्फर्म होगी। इसके बाद आपने अगर अपना फ़ी बिल निकालना है, यानी जो आपका नए सेमेस्टर के लिए आपने फीस चलान निकालना है, तो यहाँ पे ये आप नीचे लास्ट में ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी और उस PDF फाइल के अंदर आपका कोर्स नेम प्लस जो आपका फ़ी बिल है, जितना भी पर सेमेस्टर जो उसकी फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन होगी। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने पास। और हमारे यूनिवर्सिटी जो हाईटेक ये अस्करी बैंक में इनकी फ़ीस जो सबमिट करवाई जाती है, तो आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी की ब्रांच में ही सबमिट करवा दें, नहीं तो अपने घर के करीब जो भी अस्करी बैंक है वहाँ पे सबमिट करवा दें। सो दैट वाज ऑल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन इस तरह हो जाती है और आपने हर सेमेस्टर इसी तरह अपने कोर्सेज हैं जब भी उनकी लिस्ट आएगी उनको इनरोल करना है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।